अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया यावर। कैसे हैं आप? आज हम जमात दोम का एक नया सबक आपके सामने पेश करेंगे। उसमें सबसे पहले उनवान है हरूफ़ तहजी का ख़ानदान, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पे है। हरूफ़ तहजी अलिफ़ ता ये में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुनकसिम है, यानी उन्हें तकसीम किया गया है। अब आज हम जिस ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे वो है बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। हरूफ़ तहजी 4 ख़ानदानों में तकसीम किए गए हैं। बे का ख़ानदान, जिसमें बे, पे, ते, टे, से, यानी बे के ख़ानदान में 5 अशकाल बे, पे, ते, ते और से की एक जैसी हैं और ये सब लाइन पर आते हैं। उसके बाद अगला ख़ानदान है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में जीम, चे, हे और खे शामिल हैं। ये लाइन के ऊपर से शुरू होंगे और गोल शक्ल इनकी लाइन के नीचे होगी। जीम का ख़ानदान जीम, चे, हे, खे पे मुश्तमिल है। जीम के ख़ानदान के बाद दाल का ख़ानदान, जिसमें दाल, डाल और जाल शामिल हैं। रे का ख़ानदान, जिसमें रे, रे, जे और ये शामिल हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 5 पे हरूफ तहजी के ख़ानदान का मुताला कर सकते हैं, उनमें रंग भरें और जब आप स्कूल आएंगे, ये आपका घर का काम है जिसे आपने बहुत खूबसूरती से किसी बड़े के साथ बैठ के ज़ेरे निगरानी करना है। और इस सिलसिले में अगर आपको किसी तावुन की ज़रूरत है तो मेरा ईमेल है sadiayawar070@gmail.com। अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।